हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग आप सबका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे और मैं हूँ आप सबके सामने नमू मलिक और आज नमो बुधाए चलिए जय श्री राम और उन्हीं का नाम लेते हुए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और आज आप सबके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है अच्छा सोच के देखो मतलब आपके लिए और मेरे लिए हम दोनों के लिए है और कहीं ना कहीं उसमें एक गुड न्यूज भी छुपी हुई है तो गैस करना तुम लोग जब तक तो वो बताई नहीं जाती ओके राधे राधे हेलो बचा हेलो 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 पवन एलविश यादव साहब एक तो कोई पाकिस्तान से गुड इवनिंग कर रहा था ब्रिजेश अभिषेक राकेश हाँ येरा मुलायम मौर्या रवि रजनीश नरेंद्र आ, हाथ जोड़ के आपको भी नमस्कार आ, नंदन चांदनी आ, सोजित राज, आ, योगेंद्र सो पढ़ा आ, एक अनपढ़ प्रतापगढ़ ओके <laughs> okay. जय मां सरस्वती विजय आपको भी आ, मैम पीडीएफ नहीं नहीं बच्चा पीडीएफ आपको पूरी मिलती है उसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम यहाँ पर नहीं कर पाते तो वो नेक्स्ट डे तुम पूछ लिया करो वो मैं जान पूछ कर छोड़ती हूँ थोड़ा बहुत तुम भी हाथ पैर अपना हिलाओ थोड़ा दिमाग चलाओ है ना जय श्री राम सभी को जय श्री राम और भैया श्री राम के चौदह तारीख को तो हमारे गाँव में भी वो है उनका एक भजन आ, मतलब इस तरह से एक इवेंट है और 22 को वो खुद आ ही रहे हैं अयोध्या में अच्छा तुम में से कौन कौन जाएगा क्योंकि एंट्री तो है नहीं अंदर बट मुझे फिर भी लगता है कि बहुत बहुत सारे भक्त जो है वो जाएंगे जरूर भले ही वो बाहर से देखे जय माता दी वेरी गुड इवनिंग बच्चा आप सभी को एक तो सबसे पहले ढेर सारा प्यार आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कि इस बार जो है वो आप अपनी जॉब आपने जो सपने देखे हैं अपने लिए अपनों के लिए वो आपके पूरे हो जाए ठीक है तो चलो अब अपना आज की क्लास को शुरू करते हैं देखो आज की में हमारे पास ना तीन चीजें हैं सबसे पहली ये कि आज की क्लास में हमारा जो मेन टारगेट है जो आपका थंबनेल पे भी लिखा हुआ है वो क्या है वो है आपका कि यूपी में एक दिन हमने मुख्यमंत्री करे थे बच्चा आज हम यूपी के राज्यपाल करने वाले हैं आजादी से लेके अभी तक तो उनको तो आपको सिंपल याद करना है बच्चा और मैं तो कहूंगी आप पहला और जो करंट में है वो याद रख लोगे ना तो आप सबके लिए वो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी है ना बहुत ज्यादा प्रेशर हम आपको नहीं देंगे बट मेरे पास लिस्ट सारी की सारी है आजादी से लेकर अब तक कौन कौन राज्यपाल रहे हैं उनका कार्यकाल कितना रहा है? दूसरा मैंने यहाँ पर एक प्रीवियस का सेट रखा है है ठीक एक मैंने आपके जो आपके प्रीवियस ईयर में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं अलग अलग स्टेट मतलब यूपी के अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर ठीक है तो ये तीन तरह का मिक्सचर आज आपको मिलेगा सबसे पहले हम करने वाले हैं यूपी पुलिस के एक प्रीवियस ईयर के सेट को जो कि आपका बच्चा मिक्स होगा है ना उसमें आपका हिस्ट्री भी ज्योग्राफी से तो खैर एक ही सवाल आया था उस टाइम पे ज्योग्राफी भी यूपी स्टेट के एग्जाम भी यूपी जीके से भी सवाल आएंगे और कुछ पॉलिटी से भी सवाल रहेंगे तो एक बार ऊपर वाले का नाम लेके शुरू किया जाए चलिए एक बार आप ये काम करो कि फटाफट से एक बार आप क्या कर दो बच्चा फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ जो नए हैं वो आपका एक बार क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो ठीक है मैम सभी राज्यों के फोक डांस ये लो बच्चा आपका बहुत जल्दी आ जाएगा ठीक है कल का तो शायद इवेंट बना हुआ है कल का हम राज्यों के फोक डांस ही रख लेते हैं वरना तो परसों तो हंड्रेड आपका होगा ठीक है चलिए आ, तो शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से बच्चा और ये है आपका पहला सवाल कुतुबुद्दीन एबक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी पहला सवाल आपके सामने हाजिर है कुतुबुद्दीन एबक जो है वो किस डायनेस्टी का आपका फाउंडर माना गया है लोदी डायनेस्टी का कौन था बच्चा बहलोल लोदी कौन था मैम बहलोल लोदी था जो आखिरी दिल्ली सल्तनत में रही थी उसके बाद कौन सा वंश आ गया था उसके बाद मुगल वंश आ गया था है ना तुगलक डायनेस्टी का कौन था जल्दी से बताइए स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश जिसको मामलुक वंश भी बोला गया है उसका जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन एबक था जिसको एक उपाधि मिली हुई थी लाख बख्श है ना लाख बक्श की उपाधि इसको आपका क्या था बच्चा मिली हुई थी यह चीज ध्यान रखना खिलजी डायनेस्टी का आपका कौन था और यह भी बताना इन दोनों के आंसर देना यह डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की जिसकी शुरुआत होती है गुलाम वंश से अब आप मुझे बताओ तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या था फिरोज शाह तो बहुत बाद में आया रे चलो जल्दी से बताइए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है हंड्रेड के थर्टीन जनवरी चलो बच्चा देखेंगे आ, मकर संक्रांति पे फिर सेलिब्रेशन कर लेंगे तो मैं गाजर का हलवा खिला देंगे है ना? <laughs> चलो जल्दी से बताइए बच्चा तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा मैम घयासुद्दीन तुगलक है ना वेरी गुड घ्यासुद्दीन आपका और एक और रह गया आपका खिलजी डायनेस्टी जिसका सबसे जो ज्यादा समय तक रहा था राजा वो कौन था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी और मैम फिरोज खिलजी ठीक है फिरोज जलालुद्दीन खिलजी जो था वो आपका कौन था आपका इसका फाउंडर है जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था शायद है ना बच्चा चाचा और आपका सन सॉरी तो से से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संयुक्त स्थाई है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पांच स्थाई में उनका आपसे देशों के नाम पूछे गए हैं वो कौन कौन से आपके देश है जल्दी से बताइए पांच देश है पांच देश नहीं बचा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था गलत जवाब हो जाएगा पांच देश जो है वो तो आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी हैं है ना और भारत कोशिश कर रहा है कि उनकी भी यूएन में एक सीट जो आपकी परमानेंट सीट है वो पक्की हो जाए क्योंकि आज के टाइम पर हम भारत सॉरी हम भारतवासी विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्या है देश के रूप में जाने जाते हैं यूएन का गठन आपका चौबीस अक्टूबर उन्नीस को हुआ था है ना यूएन का गठन आपका यूएनओ बोलते हैं इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था पांच इसके स्थायी मेंबर है बच्चा आपका क्या हो जाएगा यूएस रशिया यूके फ्रांस और चाइना एक दो तीन चार पांच ठीक है डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा उसके अलावा दस और ऐसे देश होते हैं जो दो दो सालों के लिए आपके इसके नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं अभी अगर हम 2023 की बात करें तो देखो बच्चा एक्वाडोर जापान माल्टा मोजाम्बिक स्विट्जरलैंड यू घाना गबोन ब्राजील और अल्बेनिया ये दस ऐसे देश हैं जो कि इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं दो दो साल के बाद इनका जो मेंबरशिप है वो कहीं और चली जाती है उसके अलावा जो 2024 में रिमूव होने वाले हैं आपका साउथ कोरिया आएगा आपका अल्जीरिया और सिएरा जो अफ्रीका के देश है वो आएंगे गुआना आएगा और आपका स्लोवेनिया आएगा ईस्टर्न यूरोप में से ठीक है 2024 और 25 में तो ये चीज आप ध्यान रखना बच्चा पांच स्थाई और 10 आपके अस्थाई टोटल कितने हो गए 15 देश होते हैं इसके मेंबर ओके चलो अब अगले सवाल पे अच्छा इसकी कितनी शाखाएं हैं? इसकी कितनी शाखाएं हैं? इसकी कितनी शाखाएं हैं? कौन आंसर देगा अरे राम राम जी सभी को राम राम बच्चा अगला सवाल आपके सामने ये है इनमें से किस विकल्प की खेती को भारत में जायद फसल के रूप में आपका माना जाता है या जायद फसल के रूप में वो करी जाती है और भैया ठंड बहुत ज्यादा है है ना बिल्कुल ठंडे हाथ है अच्छा एक बार क्लास को जल्दी से आप शेयर करके आइए आप शेयर नहीं कर रहे हो चलो मैम यूपी के डांस शायद मैंने बच्चा यूपी के लोक नृत्य कराए हैं आपको नहीं कराए अभी तक चलो तो इनमें से देखो कपास गेहूं तरबूज या फिर सोयाबीन सही जवाब हो जाएगा मैम तरबूज ये ज्यादा वाटर वाली जो आपकी फसलें होती है ना तरबूज हो गया खीरा हो गया ककड़ी हो गई है ना ये सारी की सारी फसलें जायद फसलों की होती है बच्चा ये आपकी किसके किसके बीच में आप क्या कहोगे कि मैम जब आपकी रबी की फसल काटी जाती है और आपका खरीफ की फसल बोई जाती है उसके बीच के टाइम पीरियड में इनको बनाया जाता इनको बोया जाता है ठीक है ये चीज ध्यान रखना अगले सवाल पे चलो अगला सवाल है उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक एमओएम साइन किया था एमओयू साइन किया था तो आपका ऐसा कौन सा देश था जिसके साथ अक्टूबर 2019 में भारत ने मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन की सप्लाई के लिए बच्चे एक एमओयू साइन किया था ठीक है एक समझौता किया था एक तरह से जल्दी से बताइए राम राम जी राम राम कंग्रेचुलेशन वन लैख थैंक यू सो मच बच्चा और हाँ चलो बताई देते हैं हुआ क्या कल कल तो आपकी क्लास नहीं थी ना ठीक है तो कल ही कल रात में ही मेरे पास मेल आई हमने एक शॉर्ट्स वीडियो नहीं डाली थी मैंने जो अपनी मेरी सबसे पहली अब तो शायद नाम भी नहीं लेंगे ले सकते सबसे पहली जो आपकी कंपनी नहीं थी जो मैंने छोड़ी थी अभी हाल ही में तीन से चार महीने पहले तो एक शॉर्ट डाली थी, सिंपल बच्चों को बताने के लिए अपने वाले चैनल पे कि भैया आई क्विट दैट एंड बस यही सिंपल उसमें और कुछ भी नहीं लिखा था तो वहां पे जिसकी वजह से छोड़ा गया था आप सबको रीजन तो पता ही है ना उस मैनेजर ने मैनेजर है वो वहां पे चलो आज बता ही देते हैं उसने कल स्ट्राइक डलवा दी इसी बात पे कि आपने सिर्फ नाम लिया है। मैंने कहा भाई ऐसे तो फिर बीस चैनल है जिन्होंने छोड़ के बताया है बच्चों को और मैंने तो सिर्फ बताया था कि बच्चों ऐसा हुआ है असली कहानी बता दी तो तुम्हें गालियां पड़ेगी है ना स्पेशली तुम्हें तो ऐसा हुआ है कल तो उन्होंने स्ट्राइक लगवा दी स्ट्राइक भेज दी आ, भाई यूट्यूब ने उसका तो काम है करना और ऐसे जो सो so बड़े-बड़े लोग होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनका ये काम जल्दी हो जाता है थोड़े पैसे वैसे खिलाकर अपने पास तो है नहीं अभी तो ये कल हुआ है भैया मैंने कहा इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरा गया तुमसे मतलब अब तो चार महीने हो गए तुम भूल नहीं पाए हो मतलब मेरा यही अंदर से तो यही निकला मैंने कहा भाई तुझे चार महीने हो गए तो कुछ नहीं उखाड़ पाया तक तो भूला नहीं है तू और भूल भी नहीं पाएगा शायद वो क्योंकि खुद का तो चल नहीं रहा है है ना दूसरों को परेशान करने में मजा आता है कब तक कर लेगा ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है है ना ऐसी तैसी तो होनी है तेरी तो ये है कल की कहानी तो बच्चा ये देश है आपका श्रीलंका ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मालदीव से आजकल मोदी जी के बड़े क्या चल रहे हैं बच्चा बड़े नखरे चल रहे हैं है ना मालदीव जो कि एशिया का सबसे छोटा देश है ध्यान रखना बच्चा मालदीव एशिया का अच्छा आपकी राय क्या है इस पे आप अपनी राय बताओ एक बार एशिया का सबसे छोटा मतलब मेरे को ये लगा मेरे को इतनी टुच्ची हरकत भाई मेरे को ये पता है कि उनके फाउंडर वगैरह या जो भी वहां पर बड़े लोग हैं वो ये सब नहीं करेंगे आई नो ठीक है उनको इस बात से मतलब भी नहीं है कि भाई कोई टीचर अपना चैनल अच्छे से चला रहा है ये जिनके साथ जो वहाँ पे गंदगी मचा रहे हैं ना ये वो लोग हैं बस एशियन का सबसे छोटा छोड़ा नहीं रे छोटा देश है है ना यहाँ पर हाल ही में एक ऐसी सरकार आई है नाम है ठीक है जो कि थोड़ी चाइना फ्रेंडली है तो यह चीज ध्यान रखना आप लोग तो श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में लोसुंग या लोसांग के नाम से एक त्योहार फेमस है जो साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है यह त्योहार भारत के किस राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान बुद्ध को आप का समर्पित है ठीक है जल्दी से बताइए घूमने अब थोड़ा अब तो लक्षद्वीप जाओगे ना भैया अग अब अगर तुम मालदीव घूमने गए इसका मतलब यह है कि तुम सच्चे भक्त नहीं हो ठीक है ध्यान रखना अब अगर तुम मालदीव घूमने गए तो हरियाणा सिक्किम केरला या पंजाब बच्चे इसका जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम अच्छा इसमें केरल और पंजाब लिखा हुआ है आप मुझे इन दोनों राज्यों के केरल और पंजाब आप मुझे इन दोनों राज्यों के वो त्योहार बताइए जो ये नववर्ष ठीक है जो ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं नववर्ष के उत्सव के रूप में मनाते हैं जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपका नववर्ष आता है जल्दी से बताइए केरल का भी और आपका पंजाब का भी लक्षद्वीप लक्षद्वीप की राजधानी कावारती और वहां की भाषा मलयालम है बच्चा ठीक है याद रखना ये जो न्यूज होती है ना ये सवालों के तहत आपकी पूछ ली जाती है है ना आशीष ओके बच्चा टाइगर रिजर्व की लिस्ट हम बता देंगे देखो आपका पंजाब में तो हो जाएगा बैसाखी वेरी गुड बिल्कुल सही है बैसाखी ठीक है बैसाखी मनाई जाती है बच्चा और केरल के अंदर क्या मनाया जाता है नववर्ष के रूप में आप कहेंगे मैम आपका विशु त्योहार कौन सा त्योहार विशु त्योहार कौन सा विशु त्योहार बच्चा ठीक है तो आपका यहां पर यह भी ध्यान रखना अगला सवाल आपके सामने देखो यह आपका प्रीवियस ईयर का ही सवाल है आपसे देखो पूछा गया है कि पुलिस की दी गई रैंक को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक व्यवस्थित करिए ठीक है यह कहीं ना कहीं आपके सपनों को यहां पे पिरोया गया है इस सवाल में कि भैया आपका सपना पहले छोटी सीढ़ी से पहली सीढ़ी से शुरू होता है उसके बाद धीरे धीरे वो आपका आगे बढ़ता है जल्दी से बताइए जीडी कैसे प्रिपेयर करे बच्चा जैसे यूपी की प्रिपेयर कर रहे हो वैसे जीडी की प्रिपेयर करो ठीक है चलो बताओ अब यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा हाँ हिंदी की बच्चा क्लास आपकी मंडे से शुरू होने वाली है है ना हिंदी क्लास फॉर एसएससी जीडी एंड आपका यूपी पुलिस जो आपका फेब में होने वाले हैं दोनों ही एग्जाम उनकी क्लास आपकी मंडे से शुरू होने वाली है और सुबह 11 बजे शुरू होगी हेड कांस्टेबल उसके बाद इंस्पेक्टर उसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक नहीं बच्चा उसके बाद आना चाहिए आपका सहायक पुलिस उपाध्यक्ष ठीक है तो आपका इंग्लिश में एक बार देख लो हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट एंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अच्छा तुम हेड कांस्टेबल तुम आपका इंस्पेक्टर से पहले इनको लेकर आओगे वाह चलो इनमें से कौन भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो परमवीर चक्र के रूप में दिया जाता है उसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे जल्दी से बताइए इनमें से कौन से भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र को प्राप्त करने वाले पहले थे मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्टिनेंट राम राघोवरणे कैप्टन विक्रम बत्रा या फिर बच्चा गुरवचन सिंह सलारिया कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया क्या आपका सही जवाब होगा ठीक है चलो बताओ जल्दी से चलो कैप ए ऑप्शन में मेजर सोमनाथ शर्मा वेरी गुड मेजर सोमनाथ शर्मा आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के नोटंकी रासलीला कजरी झोड़ा चैपली और जो जैता डांस सॉरी लिख दिया क्या नहीं जो जैदा है वो इनमें से क्या है वो लोक नृत्य है वहां के शास्त्रीय नृत्य है लोक चित्रकला है या फिर आपका प्रसिद्ध मेला है वो वहां पे जैसे यूपी के अंदर कुंभ मेला आपका होता है शाकुंभरी मेला आपका होता है तो क्या है इनमें से तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ये यहाँ के फोक डांस है क्या है ये यहाँ के फोक डांस है यूपी के अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा वो आप का कत्थक हो जाएगा क्या है बच्चा कत्थक ठीक है कत्थक अगला सवाल आपके सामने द कलकत्ता क्रोमोसोम्स निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है द कलकत्ता क्रोमोसोम इज अ फेमस बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर आपका जेरी पिंटो मार्गरेट एडवर्ड अमिताभ घोष या जोनाथन स्ट्राउड अगला सवाल आप सबके सामने जल्दी से बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चे बातों से ज्यादा अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा यकीन मानिए ठीक है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ घोष अगला सवाल इनमें से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम ठीक है भारतीय आई अधिनियम दो में आपका क्या किया गया था प्रमुख संशोधन पेश किया गया था तो बच्चे जो भारतीय आई अधिनियम दो था उसको जो संशोधित किया गया था वो दो में संशोधित किया गया था अगला सवाल भारत में नोटबंदी आपकी कब हुई थी और कौन कौन से करेंसी के नोट थे जो उस टाइम पर आपके चलन से बाहर कर दिए गए थे 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017। तो भारत में नोटबंदी आपकी कब हुई थी मैम आपसे हिंदी बच्चा हिंदी की क्लास सोमवार ठीक है ये जो सोमवार आ रहा है है ना सोमवार आपका सुबह ग्यारह बजे 11 पर हम हिंदी की क्लास जो है वो शुरू करेंगे अगर ऊपर वाले की दया दृष्टि से सब कुछ सही रहा ठीक है और हाँ यकीन या, या, मानना बच्चा देखो आगे आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि ये चैनल ने वो डिलीट करवा दे ओके तो इसके लिए भी आप सब मैं तो रेडी हूं मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता भाड़ में जातू ठीक है मेरे लिए तो तो अब आप भी तैयार रहना और हम भी तैयार रहेंगे है ना कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे जुगाड़ तो 8 नवंबर 2016 आपका सही जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे बच्चा पीएम साहब ने ये घोषणा की थी कि अब से है ना क्या कहा था कि अब से 500 और हजार रुपए के जो नोट है वो आपके चलन में नहीं रहेंगे वो लीगल करेंसी अब से नहीं होगी और पूरे देशवासियों के दिल में एक पिंच भाई थी है ना रात को अगले दिन कोई ज्वेलरी खरीद रहा है कहीं मम्मी गई कही तय खाने से निकाल रही है कहीं चावल के डब्बे में से पैसे आ रहे हैं है ना उसके बाद पापा खुश हो रहे आजकल वो रील नहीं चल रही उसकी बच्चा क्या नाम है वो शुभ गौर शुभम गौर है ना जो नोएडा वाला है है ना कि मतलब इसको अगर हम बनाएगी मम्मी चीनी के डब्बे में से पैसे निकाल रही चावल के डब्बे में से निकाल रही है ना यहाँ से पैसे निकाल रही वहां से पैसे निकाल रही पापा शौक हो रहे कि अच्छा मुझे लगा घर में चोरी होती थी ये तो मम्मी चोर निकली तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई थी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि लिमिट जो थी निकालने की पैसे वो शायद पहले 2000 थी फिर उसके बाद बच्चा 4500 ऐसी कुछ करी गई या 4000 के आसपास है ना कुछ ऐसा तो आपका 500 और हजार के नोट जो है वो बंद हो गए थे हजार का बेचारा अभी तक नहीं आ पाया है उसके बाद नए नए करेंसी नोट बच्चा हमें देखने को मिले उसमें दो हजार का नोट भी हमें देखने को मिला पिंक कलर का हुआ करता था और अब सितंबर से ठीक है सितंबर दो से ये भी बच्चा बंद हो चुका है ये भी अब एक लीगल करेंसी नहीं है ओके अगला सवाल आपके सामने हाजिर होते हुए अगला सवाल है अगस्त 2020 में सौर्य चक्र नहीं 2020 तो रहने दो आप बच्चा आप 2023 में कितने मिले हैं इस सवाल को चेंज करो क्योंकि 2020 के बीस चक्र आपसे नहीं पूछेंगे 2023 में कुल कितने सौर्य चक्र मिले हैं है, है ना कुल कितने आपके शौर्य चक्र बांटे गए हैं या मिले हैं तो अगर इसका जवाब आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे मैम नो सौर्य चक्र ठीक है कितने नो सौर्य चक्र अगला सवाल इतिहासकारों के अनुसार इनमें से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो माना गया है इतिहासकारों के अनुसार इनमें से किसको दिल्ली का पहला सुल्तान माना गया है गजनी का महमूद कुतुबुद्दीन एबक अलाउद्दीन खिलजी या फिर आपका आराम शाह हेलो 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 सभी को और एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ ठीक है मैम ये बच्चा मोए मोह गाना था मोज मोर ऐसे करके कुछ और भारत वालों को तुम्हें पता ही है आजकल उल्टी सीधी चीज कुछ भी आ जाए वो ट्रेंड होने में तो टाइम लगाती नहीं है वह हो गई किसी से बोलना जैसे वो एक बार नहीं हुआ था आ, क्या एच आर नंबर गाडी मतलब हरियाणा का क्षेत्र एच आर था वो है ना एच ठीक है एच आर ओ, ओ उसको बहुत सारी रिले बनाने वाली मैडमों ने मतलब मैडम मतलब रिले बनाने वाली लड़कियों ने वो चार मतलब वो उसपे एक्सप्रेशन भी ऐसे ही करती थी चार नंबर गाड़ी वो एच आर था तो वही बात होती है समझने वाले का वो आप ट्रेंड तो कुछ भी करा दो ट्रेंड तो पूजा भी है है ना अब तो खैर नहीं है तो यही वाली बात होती है कुतुबुद्दीन एबक बच्चा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण जो है वो क्या कहलाता है जो आपके वायुमंडल में आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जिसके हंड्रेड परसेंट होने पर ही बारिश होती है बच्चा आपका इसमें सही जवाब क्या होगा कि उसको मापने के लिए आपका ह्यूमिडिटी कितनी सॉरी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है जल्दी से बताओ जिनको ये लग रहा है कि हम थोड़ा धीरे चल रहे बच्चा आप यहां से निकल सकते हो मतलब बहुत ही इज्जत के अनुसार है ना क्योंकि क्लास तो ऐसे ही चलेगी ना इससे तेज ना इससे कम सही जवाब क्या हो जाएगा मैम हाइग्रोमीटर वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से किस देश के साथ भारत ने भूमि सीमा समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ बच्चा हमने जून 2015 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर किस देश के साथ अपनी सीमाओं को ठीक है वहां पर कुछ जगह जैसे भारत के अंदर कुछ जगह उस देश की थी उस देश के अंदर कुछ जगह ऐसी थी थी जो भारत के कंट्रोल में होनी चाहिए थी। तो अपनी जगाओ का, अपनी का आदान प्रदान किया तो मैम 2015 में जो ये अमेंडमेंट लाया गया था ये बांग्लादेश के साथ हमने आपका भूमि अधिग्रह सॉरी भूमि सीमा समझौता किया है ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी में ही है इनमें से कौन सा विकल्प मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है इनमें से कौन सा आज का होमवर्क क्वेश्चन है एक समूह नहीं है एक स्थल नहीं है टोटल यूनेस्को ये मैं करा चुकी हूं आप सभी को है ना टोटल यूनेस्को साइट अभी दो और आज कितनी तारीख है ग्यारह जनवरी ग्यारह जनवरी दो तक आपके भारत में में गरबा को अमूर्त श्रेणी के रूप में आपका एड किया गया और यह पंद्रवा बना है आपका जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य है है ना बच्चा जीके में स्कोर तभी नहीं होगा दो रीजन हो सकते हैं एक तो आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी दूसरा आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा आपने बुक नहीं पढ़ी होगी सिर्फ ये दो रीजन हो सकते हैं वरना जीएस का स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आपने हिस्ट्री जोग्राफी आपने पॉलिटी uh, और इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ठीक है और आपने जो स्टेट जैसे यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट जी के अगर अच्छे से नहीं पढ़ी प्लस स्टेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करंट को भी भूल जाओ कि दो सवाल में करंट के एक मिनट के लिए छोड़ दू तो ये बाकी का पोर्शन अगर अच्छे से नहीं किया तो वो स्कोर कम ही रहेगा आपका है ना तो और आज का तो पेपर पूरा का पूरा आपका प्रीवियस ईयर का है सारे के सारे 38 क्वेश्चन देखना आपको 38 क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन शुरू होंगे अपने वो आप देख लेना कि आप इनमें से कितने कर पा रहे हो ओके okay, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा देखो मैम खजुराहो ठीक है चंदेल शासकों ने सांची स्तूप अशोक ने भीम का ये तीनों के तीनों आपके कहां पर है मध्य प्रदेश में है हम्पी आपका यहां पर कहा हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है अगला सवाल इनमें से कौन सा विकल्प भारत और चाइना के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है भारत और चाइना के बीच में जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैम रेड रेड क्लिफ क्लिफ लाइन लाइन है ना Red, uh, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरेंड लाइन है ना डूरेंड लाइन अब आपके सामने यहां पर भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा पाक स्ट्रेट ठीक है है एक किसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेरी गुड अगला सवाल आपके सामने इनमें से कौन सा दिन राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है और हम किस महान नेता के रूप में उनके सम्मान में ठीक है ये दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं बताइए इनमें से कौन सा दिन राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है तो मैम 31 अक्टूबर जो है ना वो राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है ठीक है किनके याद में मैम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत आज़ाद हुआ ये हमारे गृह मंत्री थे पहले और इन्हीं के ऊपर सारा का सारा दारोमदार रखा गया था कि जितनी भी रियासतें हैं जितने भी प्रांत जितनी भी, भी रियासतें हैं आप उन सबको भारत का हिस्सा बनाइए जो पाकिस्तान गए सो गए लेकिन जो रियासतें अपने भारत में हैं आपको उनको भारत का हिस्सा बनाना है भारतीय संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को कहाँ से उधार लिया गया है डीपीएसपी कहाँ पर पाए जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहेंगे मैम पार्ट फोर के अंदर है ना पार्ट फोर के अंदर आर्टिकल नंबर थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी वन तक भारत के जो संविधान में है वो डीपीएसपी का आपका पूरा का पूरा ब्यौरा है ये आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी बच्चा कहाँ से लिए गए हैं आयरलैंड से आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस कैनेडा नहीं ये आपका गलत जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा अगला सवाल इथोपिया की करेंसी क्या है Ethiopia, कहां पे देश है ये ये किस किस में में है? है? महाद्वीप में ये एक देश इथोपिया क्योंकि इथोपिया जो है ना वो हाल ही में इथोपिया हाल ही में ब्रिक्स के अंदर ऐड हुआ है ना बच्चा ब्रिक्स के अंदर जो आपके छे ये क्या मैंने लिख दिया

ऑफ़ अफ्रीका निकला हुआ है ना बच्चा ये उसका एक सदस्य है इथोपिया में ही कौन सी लेक है ताना लेक है, 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 ना? है मिलाकर ही तो सुडान में जाके आपकी क्या बनती है नील नदी बनती है तो इथोपिया की जो करेंसी है वो बिर है आई अगला सवाल आपके सामने मार्च दो में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला राज्य सकल घरेलू उत्पाद घरे कि जीडीपी में अधिकतम योगदान देता है नोएडा लखनऊ कानपुर या फिर आगरा जल्दी से बताइए इंस्टा बच्चा इंस्टाग्राम अगर मैं चलाती भी हूं तो आपका तो कोई उसमें काम नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम जितना कम यूज करो उतना सही है बाकी इंस्टाग्राम हम चलाते हैं लेकिन आपका कोई काम नहीं है वो हमारे पर्सनल यूज के लिए उस पर कुछ ऐसी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव ऐसी कुछ अभी हम नहीं डाल रहे हैं ठीक है नोएडा वेरी गुड ऑप्शन नंबर एक गौतम बुद्ध नगर के अंदर स्थित नोएडा अर्जेंटीना की राजधानी क्या है देखो ब्रूसेल्स किसकी राजधानी है बेल्जियम की राजधानी है ब्रूसेल्स बेल्जियम की राजधानी है जहां पर आपका नाटो का मुख्यालय है नाटो का हेडक्वार्टर है ये सवाल पूछा जा सकता है है ना बोत्सवाना राजधानी नहीं बचा ये देश है अफ्रीका में साउथ के अंदर आयर्स जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना की कैपिटल है अर्जेंटीना आपका कहां पर स्थित है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है अर्जेंटीना फीफा विश्व कप दो भी जीता है सॉरी यहां पे 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता अच्छा एक सवाल बताइए अर्जेंटीना और यूके के बीच में अर्जेंटीना कहा लिखा है ये रहा अर्जेंटीना और यूके के बीच में किन आइलैंड को लेकर आपका विवाद है किन आइलैंड्स आइलैंड्स मतलब बच्चा द्वीप को लेकर आपका विवाद है जैसे अपने भारत में भारत और बांग्लादेश के बीच में न्यूमूर द्वीप जो है उसको लेकर विवाद है भारत कहता है मेरा है बांग्लादेश कहता है मेरा है तो उसी तरह से यूके और अर्जेंटीना के बीच में आपका किन द्वीपों को लेकर विवाद चला हुआ है यूके ने उनपे एक तरह से कब्जा किया हुआ है राम राम अंकित राम राम आ, मेरे नाम से बहुत लोग बच्चा देखो फेक तो जिस दिन अपन लोगों ने चैनल शुरू किया था ना मतलब इसमें क्लास करना शुरू किया था उस दिन आ, शायद एक हजार से ज्यादा टेलीग्राम की फेक आईडीज मेरे नाम से बना दी थी फोटो मतलब बच्चे पता नहीं क्यों करते हैं ये ऐसा आ, मेरे को तो समझ नहीं आता बट हाँ फेकिज्म से आप दूर रहना टेलीग्राम पे भी बहुत ज्यादा फेक आईडीज है और इंस्टा पे भी बहुत ज्यादा फेक आईडीज डीज है ठीक है अच्छा तो ये हो जाएंगे बच्चा फोकलैंड आइलैंड कौन से आइलैंड है फोकलैंड आइलैंड आपके ये है जो कि अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवादित है अच्छा अगला सवाल इनमें से किस निकाय ने 2006 के दौरान मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में मानव अधिकार आयोग का स्थान ले लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिप्लेस द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स इन द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट ड्यूरिंग दो बच्चा ये ले लिया था आपका मानव अधिकार परिषद ने ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, हुआ था और किस अमेंडमेंट से किस अमेंडमेंट से ये आपका लागू हुआ था ये भी बताना किस अमेंडमेंट से ये लागू हुआ था ये भी बताना ओके नमस्ते बच्चा नमस्ते थैंक यू नंदू तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम फ्रांस वो पहला देश था जहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले इम्पोज किया गया था उसके बाद भारत में एक जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था अमेंडमेंट लाया गया था 101 वा अमेंडमेंट ठीक है उसके बाद एक जुलाई को हम क्या मनाते हैं जीएसटी डे मनाते हैं एक जुलाई को हम जीएसटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अगला सवाल उन्नीस और उन्नीस में टाना भगत आंदोलन आपका उसके नेता कौन थे टाना भगत आंदोलन के नेता आपके कौन थे तो भगत member, एक नेता थे, और ये एक धार्मिक आंदोलन था ये भी आप ध्यान रखना अगला सवाल इनमें से किस देश ने जनवरी दो में ध्यान से सुनना अच्छा क्वेश्चन है अभी भी पूछा जा सकता है इनमें से किस देश ने जनवरी 2020 में किस देश ने हां आशुगंज और अखोरा के बीच पचास पॉइंट पांच आठ किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो मैम ये जो दूसरा देश है ये है आपका बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इनमें से किस वर्ष में मानव अधिकार परिषद बनाया गया था तो बच्चा मानव अधिकार परिषद अभी अभी जस्ट आप यहां पर इसका जवाब देखकर आए हो मैम सन दो में ठीक है कब बनाया गया था सन दो में अगला सवाल आप सबके सामने इनमें से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से एक नहीं है भारत का संविधान का आठवां शेड्यूल ठीक है आठवां शेड्यूल उसमें पहले कितनी भाषाएं ऐड की गई थी आप कहेंगे मैम जो मूल संविधान के अंदर आठवीं शेड्यूल थे आठवीं के अंदर भारतीय भाषाओं के बारे में प्रावधान था जिसमें पहले चौदह भाषाएं थी आज की अगर हम बात करें तो आज तो अपने पास 22 भाषाएं हैं। चलो यहाँ से एक और सवाल आ गया। हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं कानूनी जो भाषाएं हैं, वो आपकी 22 साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका कितनी भाषाओं में आपका दिया जाता है ये बताना कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये भी बताना बच्चा ओके उसके अलावा देखो अब चौदह थी मैम पंद्रहवीं जो भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन कहाँ लिखे इक्कीसवें संविधान संशोधन से ट्वेंटी फर्स्ट ठीक है वैसे इस पेज में सब कुछ लिखा हुआ है संविधान संशोधन से आपका सिंधी को ऐड किया गया था पंद्रहवीं भाषा बनी थी ये कौन सी बनी थी सिंधी को उसके बाद इकहत्तरवा अमेंडमेंट एक्ट आया बच्चा उन्नीस सौ में, में उसके बाद आपकी तीन भाषाएं और ऐड की गई उसके बाद बानवेवा अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें चार भाषाएं डीबीएमएस ठीक है आपका डोंगरी हो गया बोडो हो गया है ना एम से आपका मैथिली हो गया और एस से आपका सेंथाली हो गया जिसको ऐड किया गया था ठीक है तो ये आप जब पी मिलेगी देख लेना सारी भाषाएं मैंने इसमें यहाँ पर एड की हुई है तो बाईस लैंग्वेज है और जो साहित्य केडमी अवार्ड है वो चौबीस भाषाओं में दिया जाता है जिनमें से जो बाकी दो है बाईस तो अपनी जो आधिकारिक है वो हो गई उनमें से एक है राजस्थानी और एक है आपकी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ठीक है याद रह जाएगा अगले सवाल पे चले इनमें से कौन राजस्व विभाग में उच्च अधिकारी है चार आपके पास यहां पर ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर अथॉरिटी इन द रिवेन्यू डिपार्टमेंट रिवेन्यू सेक्रेटरी रिवेन्यू काउंसिल कंसोलिडेशन कमिश्नर यानी कि चकबंदी आयुक्त जो होता है या फिर बच्चा राहत आयुक्त यानी कि रिलीफ आपका कमिश्नर तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैम रिवेन्यू सेक्रेटरी ऑप्शन नंबर अगला सवाल नीलगिरी खापली ओके नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली एक किस्म है आपका आपने सुना होगा ना फसलों की जैसे गन्ना हो गया चावल हो गया गेहूं हो गया इनकी अलग अलग किस्में होती है है ना कोई किसी के अंदर उपज ज्यादा आती है किसी का दाना अच्छा होता है किसी के अंदर रोग कम लगता है कोई अच्छी क्वालिटी की कोई बुरी क्वालिटी की आपसे पूछा गया है कि जो ये नीलगिरी खापली है ये किस फसल की एक किस्म है तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा वीट ये आपकी मैम गेहूं की ठीक है किसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर फोर्थ गेहूं की किस्म है जून 2020 में भारत और चाइना के बीच संघर्ष के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं का हवाला देते हुए कितने चीनी एप्स पर आपका प्रतिबंध लगाया था यह सवाल आपसे पूछा गया था नहीं बच्चा टी. मतलब नीलगिरी नाम लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका आंसर चाय होगा कि मैम साउथ में चाय उगाई जाती है बच्चा फिर तो आपका इलायची भी आ जाता है ना तो वो गेहूं की किस्म है ध्यान रखना ठीक है किस्म है गेहूं की और पलक वेरी गुड बच्चा आपका 59 नाइन ऐप्स को उसके बाद तो बहुत सारे ऐप 2023 में 118 ऐप आपके बैन किए थे बाण में आप ऐप आपके ऐसे बैन किए थे जो चाइनीज लोन ऐप आपके होते हैं ठीक है चाइनीज लोन ऐप तो ये सारी चीजें ध्यान ये तो जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे भी आपको एक डाटा प्रोवाइड मेरी तरफ से किया जाएगा ये टेंशन मत लो ठीक है पर ध्यान देखो बच्चा कि आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन आपको बुक में थोड़े ना मिलेगा हाँ करंट अफेयर में मिलेगा ये क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन तो आपको कैसे मिल जाते हैं आप इंस्टाग्राम चलाते हो आप यूट्यूब चलाते हो वहां पर एक छोटा सा पेज में ही ये न्यूज दे दी जाती है न्यूज देखते हो तो ये तो डे बाई डे की न्यूज है आपकी अगला सवाल देखो अगला सवाल आपके सामने है इस कथन को पढ़िए और सही विकल्प का आपका चयन करिए बोबली वीणा ध्यान रखना बच्चा बोबली वीणा आपका पहला कथन है कर्नाटक आधुनिक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़े तार वाला वाद्य यंत्र है पहला कंडीशन दूसरा है बोबली वीणा को आमतौर पर इकंदा वीणा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाई जाती है क्या ये दोनों गलत है क्या ये दोनों सही है क्या एक गलत है दूसरा सही है या दूसरा सही है पहला गलत है आपके सामने यहां पर चारों ऑप्शन है जल्दी से बताइए तो देखो एक सवाल आपसे ये पूछा गया था तो ध्यान रखना ये दोनों के दोनों ही आपके करेक्ट है कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है और यहाँ पर मैंने आपके लिए बच्चा इसकी जो बोबली वीणा है आपका थोड़ा सा इतिहास भी लिखा है कर्नाटक संगीत में इसका उपयोग किया जाता है एक बड़े तार वाला वाद्य यंत्र है वीणा का इसका निर्माण सत्रहवीं शताब्दी में बोबली संस्थानम के राजा पेंडा राइडू के शासनकाल के दौरान हुआ था इसकी विशेषताएं क्या है कि ये आंध्र प्रदेश के एक शहर गोलापल्ली में जैक लकड़ी के पेड़ के लठों से बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया जाता है इसको इकिंदा वीणा के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखना ये सारी चीजें आप अगला सवाल आपके सामने मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में आता है बिहार की नदी के क्लास मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध भारतीय संविधान के मौलिक आ, कल कल नहीं तो परसों बच्चा कल तो हम आपका फोक डांस लेकर आएंगे राज्यों का है ना आप में से आ, एक की गुहार थी एक बच्चे की तो उनको पूरा करना बनता है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आपका कहां पर है मैम स्वतंत्रता का अधिकार आपका ठीक है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर उन्नीस के बाद मैम शुरू हो जाते हैं है ना आर्टिकल नंबर उन्नीस क्योंकि चौदह सौ से लेकर अठारह तक बच्चा राइट टू इक्वालिटी समानता के अधिकार है उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार समानता का अधिकार 14 से 18 मैम ठीक है 14 से 18 19 से 22 और ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये हो जाएंगे मैम आर्टिकल नंबर 23 24 के अंदर क्या है जो एक सेकंड बच्चा चौबीस के अंदर आपका क्या है चौबीस के अंदर की मैम अगर चौदह साल से कम के बच्चे को आपने कहीं पर लेबर के उसमें लगाया है तो आपको सजा होनी जरूरी है तो आर्टिकल नंबर तेईस चौबीस शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा अगला सवाल द दर ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ ह्यूमन राइट ट्रीटी बॉडीज मानव अधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है ये बस बच्चा एक ध्यान रखना ठीक है स्वतंत्र विशेषज्ञों का जो कार्यकाल होता है मैम वो आंसर की में भी जो दे रखा है वो चार साल होता है मानव अधिकार सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ध्यान रखना वो आपका बच्चा तीन साल का होता है या फिर सत्तर वर्ष तक जो भी आपका पहला जाए जैसे आपका किसका होता है जैसे आपका बच्चा हमारे सी होती है उनका होता है है ना <coughs> तो ये चीज ध्यान रखना सत्तर वर्ष का सीजीआई का सिक्सटी फाइव तक होता है ना आ, सत्तर वर्ष जो भी आपका पहले आ जाए इनका जो चुनाव होता है इनकी जो नियुक्ति होती है नियुक्ति लिखना इनकी जो नियुक्ति होती है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आपकी करी जाती है तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत में कितने केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण विद्यालय है भारत के अंदर कितने केंद्रीय जासूस मतलब सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल आपके इंडिया में मौजूद है जल्दी से बताइए नहीं आज पानी नहीं है कौन सा लोगों है साथ में जिला गाजियाबाद देखो ये है बच्चा आपके पांच ठीक है कलकत्ता में कलकत्ता में जयपुर में चंडीगढ़ में गाजियाबाद में और एक और है आ, गाजियाबाद में एक क्या रह गया आपका हैदराबाद में हैदरा हैदराबाद में ठीक है ये आपके पांच है अभी के लिए केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण विद्यालय अब देखो आगे आ जाइए पूरे अड़तीस क्वेश्चन हो गए मतलब एक सेट हमारा पूरा हो गया यहां से आप लगा सकते हो बच्चा कि आपने कितने इनमें से सही किए हैं अगर आज आपका पेपर मतलब फरवरी में पेपर होने लगा और वो कुछ इस लेवल का आया तो आप उसमें कहाँ स्टैंड करोगे अब एक बार अपने गवर्नर्स की लिस्ट देख लेते हैं या फिर बाद में आखिर में देखे अपने गवर्नर्स की लिस्ट क्योंकि कुछ क्वेश्चन और है हमारे चलो पहले उनको भी एक बार निपटाई लेते हैं उसके बाद फिर आपके गवर्नर्स की लिस्ट देख लेंगे एक एक करके अगला सवाल आपके सामने क्या है उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है पीलीभीत सीतापुर या फिर आपका महाराजगंज सही जवाब क्या हो जाएगा मैम महाराजगंज हमारा करेक्ट सॉरी महाराजगंज नहीं बच्चा सीतापुर हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है अगला सवाल तो यूपी की जो सीमा रेखा है वो भारत के आठ राज्यों से मिलती है और वो आठ राज्य आपके कहाँ कौन कौन से हैं तो आप कहेंगे मैम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ठीक है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा हरियाणा राजस्थान राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका झारखंड हो जाएगा और उसके बाद बच्चा आपका बिहार हो जाएगा एक आपका देश है देश कौन सा हो जाएगा नेपाल हो जाएगा और एक यूनियन टेरिटरी है वो आपकी दिल्ली हो जाएगी है ना तो ये आठ राज्य है एक यूनियन टेरिटरी है और एक दूसरा देश है जो कि आपका नेपाल है अगला सवाल इन राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है तो पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नहीं लगती है उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है गौतम बुद्ध नगर हाथरस कन्नौज या फिर आपका संत रविदास नगर? क्या आपका सही जवाब होगा एक सीट पक्की बच्चा इसका जवाब तो आपको अच्छे से पता होगा ये नहीं पता क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संत रविदास नगर मैम इनमें सबसे आपका छोटा है अगला सवाल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है लखीमपुर खीरी जिसकी जो सीमा है वो नेपाल से लगती है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती एक राज्य है तो आपका राज्य है तो इनमें से जवाब हो जाएगा राजस्थान ओके अगला सवाल इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है तो बुंदेलखंड में आपका कौन सा आता है मैम इनमें से जो आएगा वो महोबा आएगा है ना महोबा इस दर राइट right आंसर महोबा पान के लिए बहुत फेमस है महोबा पत्थर को जीआई टैग मिला था इनमें से कौन सा देश भारतीय राज्य है? उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है तो नेपाल की सीमा आपकी साझा होती है उत्तर प्रदेश से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 23वें जिले के रूप में आपका शामिल किया गया था तो आपका यूपी के टोटल 8 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर के अंदर शामिल है जिसमें से आखिरी जो बना था बच्चा वो आपका शामली बना था ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सीमा नेपाल के साथ लगती है ठीक है उत्तर प्रदेश के जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है आपका बस्ती बलिया महाराजगंज या फिर गोरखपुर सही जवाब क्या हो जाएगा रे महाराजगंज मैम ऑप्शन नंबर बी आंसर यहां पर कॉन्स्टेबल दो का आपका एग्जाम है कब संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस को आपका बदलकर उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को ये किया था जब इसको उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी को हम यूपी डे के रूप में सेलिब्रेट इसको करते हैं अगला सवाल उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है तो यूपी का जो राज के पशु है बच्चा वो आपका क्या हो जाएगा बारह सिंगा हिरण क्या हो जाएगा सिंगा हिरण कौन सा शहर उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वो बसे हुए हैं तो बच्चा गंगा के किनारे आपका बिठूर यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड ऐसा कोई है वैसे तो हमें मिल गए दो ऑप्शन दो तो हमारे कट हो गए राप्ती के किनारे है गोरखपुर दूसरे का है चौथा ठीक है अभी भी सेम चल रहा है गोमती के किनारे है जौनपुर आपका बच्चा तीसरे का है पहला तो सही आंसर हमारा क्या मिल गया ऑप्शन नंबर बी हमें मिल चुका है और सही नदी जो है प्रतापगढ़ उसके किनारे है तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है राजकीय पक्षी की अगर हम बात करेंगे यूपी की तो वो आपका सारस हो जाएगा ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में सारस और अगला सवाल उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं फटाफट से बताओ उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं और अब एक बार बच्चा हमारा जो आज का राज्यपाल वाली लिस्ट थी वो एक बार देख लो क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने इतने नहीं इसलिए नहीं करवाए क्योंकि कोई फायदा नहीं है है ना? दस मिनट की क्लास होनी थी ये राज्यपाल वाली जिसमें आपको सिर्फ लिस्ट दिखानी थी बच्चा और यहाँ से मैंने शुरू की है 1937 से जब इसको यूनाइटेड प्रोविंस बनाया गया है ना तो आपका सबसे पहले है सर हैरी ग्रैम ठीक है 1934 से लेकर 1938 तक ठीक है बच्चा इनका ऑफिस रहा है ये उसके बाद आपका ग्रेनर जो कि आपका उनतालीस से इनका जो टेनोर रहा है वो 1945 तक रहा है यहाँ तक भी हमें याद नहीं करना इसके बाद फिर से आपका क्या आएगा वाइली आएगा उन्नीस तक यूपी के गवर्नर के रूप में अब यूपी जो है वो आजाद हो जाता है और आजाद भारत में पहली महिला राज्यपाल के रूप में जो यूपी की राज्यपाल बनी थी वो बनी थी आपकी सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर ऑप्शन तो खैर इसमें है ही नहीं बहात्तर जिले नहीं है पिछहत्तर है ठीक है अच्छा तो सरोजनी नायडू जिनका जो ऑफिस रहा है बच्चा वो आपका उन्नीस से लेकर उन्नीस तक रहा है उसके बाद आपके एक एक्टिंग एक गवर्नर आते हैं बीबी मलिक जो 3 मार्च उन्नीस से लेकर आपका 1 मई उन्नीस तक रहते हैं आगे देखते हैं आगे आपके सामने क्या होगा अब आगे आपका होरमास जी ठीक है मोदी साहब आपके आते हैं जिनका जो टेनोर रहे है वो लेकर उन्नीस लेकर 1950 तक तो ऐसे ही आपके सामने पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट लिस्ट होगी आपको ये एक बार देखनी है बच्चा और अपने नोट्स उतार लेने हैं ठीक है 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है और वहां पर फिर आपके के एम मुंशी आएंगे ठीक है वीवी गिरी आएंगे रामकृष्ण राव आएंगे उन्नीस तक ठीक है उसके बाद विश्वनाथ दास उन्नीस आ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए करवा देती हूँ एक बार एक सेकेंड आपको जो याद रखने हैं एक बार नजर तो सब पे मारनी है लेकिन जो याद रखना है वो चाहिए ये याद रखना है एक सेकेंड दो हजार चार दो हजार नौ यहां से ठीक है आपको जो मेन याद रखना है यकीन मानिए इतना करोगे ना इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये जस्ट एक बच्चा मैं यूपीजी के करा रही थी तो आपको एक आ, मेरे को देनी थी ये पीडीएफ बाकी आप पहली गवर्नर स्वतंत्र भारत में यूपी की सरोजनी नायडू हो जाएंगी और आपका राम नायक जो थे अब जो गवर्नर है आज के टाइम पे आनंदीबेन पटेल इनसे जस्ट पहले जो आपके थे क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि आज जो है आनंदी बेन पटेल इनसे पहले इनका जो पद था वो किसके पास था गवर्नर का है ना तो राम नायक ये थे आ, यूपी के गवर्नर जो जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक रहे हैं और 19 के बाद आपकी आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर बनती है 2019 से अभी तक ये अपने टर्म पर मिली हुई है ठीक है मैम प्लीज ओनली रिवर्स की बच्चा रिवर्स तो मैंने आपको करा रखी है इंडियन रिवर्स भी और वैसे भी बाकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो आपका स्टैटिक भी पूरा होगा है ना आपका यूपी जी के भी अब हम क्या करेंगे कल कल से खल से हम दो दो टॉपिक एक साथ चलाएंगे क्योंकि जो बाकी के आपके टॉपिक बचे हुए हैं एक मिनट रुकिए जस्ट मेरे को एक बार देख ले दो आपको अभी बता देंगे एंड आपने अपनी राय नहीं बताई भाई जो चैनल पे हमारे स्ट्राइक पड़ी है उस पर ठीक है आपके कल एक ही चैप्टर रहेगा बच्चा क्योंकि हम कल यूपी की ऐतिहासिक घटनाएं देखेंगे है ना और उसके बाद फिर दो दो टॉपिकों को एक साथ चलाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे उनसे दो से तीन क्वेश्चन चार से पांच क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं से परियोजनाएं ऊर्जा संसाधन यूपी का इतिहास साहित्य पत्र पत्रिकाएं बजट ये सारे आपके टॉपिक आने वाले हैं ओके तो चलिए कल हम यूपी के अंदर जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके बारे में क्लास रखेंगे उसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आपके चले हैं बच्चा अलग अलग उनके बारे में भी क्वेश्चन आंसर होंगे है ना एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे बस उसके बाद फिर आपका यही चलेगा शुरू होगा आपका पॉलिटी के अंदर ठीक है संविधान को पढ़ेंगे ज्योग्राफिक के प्रैक्टिस सेट करेंगे हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट करेंगे और स्टैटिक साथ में चलाएंगे ओके okay? करेक्ट है इसरो और डीआरडीओ चलिए तो आज फिर हम चलते हैं और कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर और नौ बजे हाँ मंडे से आपका शुरू हो जाएगा हिंदी की क्लास भी ठीक है मंडे से आपकी एक एक्स्ट्रा एक क्लास आएगी या तो वो हिंदी की क्लास होगी या फिर वो एस एस की जी की क्लास होगी तो इन दोनों में से जो भी होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपके लिए वो हम लेकर आएंगे ओके चलिए History Wars. मैंने भी सोना खरीद लिया था किस बात का सोना खरीद अब नोटबंदी में इतना पैसा चलो तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे और देखते हैं कि कल नहीं तो परसों है ना अपने वन के हो जाएंगे और फिर बच्चा मकर संक्रांति का शुभ अवसर भी आ रहा है एंड सेलिब्रेट करेंगे ओके टेक केयर एवरीवन गुड नाइट बाय बाय एंड थैंक यू सो मच